या हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार। वेलकम टू माय टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का प्रोग्राम नंबर। आज हम लोग 4 देखेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। तो ये देखते हैं कैसे इस प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे हम दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। वेर पी, प्रिंसिपल के लिए हम लोग पी मान लेंगे, रेट के लिए हम लोग आर ले लेंगे और टाइम के लिए हम लोग ले लेंगे क्या, टी। और इन तीनों का जो वैल्यू जो स्टोर हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, ऐसा ही ले लेंगे। तो हमारा ऐसा ही हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इन तीनों को इनपुट लेंगे। ठीक, तो इनपुट लेने के लिए हम लोग ने पढ़ा है प्रॉम्प्ट मेथड। हम लोग तो प्रॉम्प्ट मेथड यहाँ सबसे पहले पी इक्वल टू लिखेंगे प्रॉम्प्ट, उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे इंटर इंटर प्रिंसिपल वैल्यू, दे देंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर देंगे यहाँ पे इक्वल टू डबल कोट कॉमा पी, या केवल हम इक्वल टू डबल कोट भी दे सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्या, आर दे देंगे, आर इक्वल टू प्रॉम्प्ट दे देंगे डबल कोट इंटर रेट, हम दे देंगे रेट वैल्यू इक्वल टू डबल कोट। उसके बाद हम दे देंगे क्या, टाइम दे देंगे टी इक्वल टू प्रॉम्प्ट टी आर ओ एम टी प्रॉम्प्ट डबल कोट इंटर टाइम वैल्यू इक्वल टू डबल कोट कॉमा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पी का वैल्यू, आर का वैल्यू और टी का वैल्यू, इन तीनों को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इनपुट कर लिया। अब हम जब प्रोग्राम जब रन करवाएंगे तो हमसे क्या करेगा, हमसे वैल्यू हमसे यहाँ पे इनपुट मांगा जाएगा हमसे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, एसआई निकालेंगे। तो एसआई को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे एसआई इक्वल टू यहाँ पे हम दे देंगे क्या, पार्स इंट। ठीक है, हम यहाँ करेंगे क्या, पार्स इंट देंगे। और उसके बाद चूंकि पार्स इंट इसलिए देंगे कि जो भी प्रॉम्प्ट मेथड करता है वो करता क्या है कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है, मतलब आप दे वो नंबर उसको बना देता है क्या, स्ट्रिंग बना देता है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पार्स इंट का यहाँ पे यूज करेंगे। एक है हमारा पार्स इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप का वैल्यू होता है, क्योंकि इंट इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखता है। और अगर आपको, अगर हमारा जो रिजल्ट वो डेसिमल में अगर चला आया तो फिर उसके लिए इंटीजर यहाँ पे कैपेबल नहीं होगा। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, फ्लोट ले लेंगे। तो फ्लोट हम लोग डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे क्या, फ्लोट फ्लोट ले लेंगे, पार्स फ्लोट ले लेंगे। उसके बाद हमारा वैल्यू पी में जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 100 होता है। तो पार्स फ्लोट हमने ले लिया इंटू, उसके बाद पार्स फ्लोट करेंगे क्या, यहाँ पे पी आर यानी कि रेट, रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्या, पार्स फ्लोट पी ले लेंगे और उसके बाद फिर करेंगे क्या, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे कि 100 यहाँ पे दे देंगे, इसको एक ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे और ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, हमारा ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। और उसके बाद जो भी हमारा जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट कॉमा, यहाँ लिख देंगे एक मैसेज में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू डबल कोट कॉमा एस आई, ये हमारा जो रिजल्ट है वो एस आई में आया है, तो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से हम लोग कट करेंगे क्या, यहाँ बंद कर देंगे। उसके बाद फाइनली हमारा प्रोग्राम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मांगा जाएगा, फाइल यहाँ पे फाइल में मांगा जाएगा, तो हमें यहाँ पे दे देंगे सिंपल इंटरेस्ट डॉट एच टी एम, हम यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, मिनिमाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट हमने प्रोग्राम बना लिया जिसमें पी आर टी एस आई वैल्यू हमने इनपुट कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला हमने बैठा दिया पी गुना आर गुना टी डिवाइडेड बाई क्या, 100। तो हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है।
इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से देखिए हमारा ब्राउजर का फाइल यहाँ पे बन चुका है। ओपन करेंगे इस फाइल को, और फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो हमारा सबसे पहले हमसे मांगा जाएगा क्या, प्रिंसिपल वैल्यू मांगा जाएगा, रेट मांगा जाएगा और टाइम मांगा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे वैल्यू हमसे मांगा जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे देते हैं 5,000 हम यहाँ पे दे देते हैं, यानी कोई व्यक्ति जो है कोई पर्सन है कि 5,000 का लोन लेता है, ठीक है, तो उसका जो रेट वैल्यू होता है हम यहाँ पे 10% दे देते हैं और उसका टाइम हम दे देते हैं 2 साल। तो 2 साल के अकॉर्डिंग इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1,000 रुपया आएगा, ठीक है ना। तो 1,000 रुपया इसका जो मेन जो इसका रिजल्ट होगा। हम एक और वैल्यू यहाँ पे देते हैं, न्यू वैल्यू यहाँ पे सपोज हम देते हैं 14,000 रुपया, ठीक है, ओके करते हैं। रेट वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 6%, टाइम इसका हम देते हैं 3 साल। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2,520 रुपया, इसका टोटल इसका वैल्यू आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पर नया आया तो। धन्यवाद।